ये देखिए आम सरमायादार के लिए इलीगल माइनिंग बंद है, लेकिन क्लैशर के कुलदीप शाह के लिए जो जहाँ के माफिया डॉन बने हुए हैं उनके लिए ये माइनिंग आज भी चल रही है और आने वाले समय में भी चलती रहेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा और डीएमओ साहब इन्होंने खरीदे हुए हैं। एक बड़ी ईमानदार अफसर जहाँ पर पहुंच गई है, इंसाफ होगा हमें उम्मीद है उस पर। सरपंच साहब मेरे ये बता दो कि जनता का सवाल है, अब मीडिया का भी सवाल है आपसे कि आपने 5 साल तक क्यों चुप रहे हो, तो आज से थोड़ी नहीं इलीगल माइनिंग की, तो जब से खुला हुआ तब से ये ब्लॉक खुले हुए तब से इलीगल माइनिंग चल रही है, उस वक्त आप लोगों को क्यों नहीं आवाज उठा? डीएमओ यासी ने कहा था कि भाई देवराज को संभालो, तारिकवाट को संभालो, दूसरे को संभालो, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में है। ये क्यों कहता है वो? उन्होंने ये जो स्टेप उठाया है तो मैं एक या दो दिन में वहां रोड बंद करके तलवाड़ा में बैठने वाला हूँ, और जब या तो सबके खुलेंगे या सभी बंद होंगे, इंसाफ होगा। पहले भी सरकारें आती रही जाती रही और आगे भी आती जाती रहेंगी, लेकिन गरीब लोगों की सुनाई ना पहले हुई है ना अब होगी। हम लोग फिर इलीगल माइनिंग को लेकर बातचीत करेंगे। नमस्कार, राम राम, मैं हूं बीएस राजपूत, आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस। तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है, जो दर्शक नहीं भी हैं हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं, जो दर्शक हैं तो उनसे अपील करते हैं, जो नहीं है उनको भी अपील करते हैं कि फर्स्ट ऑल में चैनल को फॉलो जरूर करें प्लीज़, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी ताकत मिलती है तो फिर हम लोग बड़े से बड़े मुद्दे को लेकर के सरकार तक पहुँचाते हैं। और आज हमारी जो सरकार डीएमओ साहब और डीसी सर रियासी से अनुरोध है कि जो हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं आगे, जो रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये देखिए आम सरमायादार के लिए इलीगल माइनिंग बंद है, लेकिन क्लैशर के कुलदीप शाह के लिए जो जहाँ के माफिया डॉन बने हुए हैं उनके लिए ये माइनिंग आज भी चल रही है और आने वाले समय में भी चलती रहेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन पूरा और डीएमओ साहब इन्होंने खरीदे हुए हैं और आज भी इनकी इलीगल माइनिंग चली हुई है। और ये देखिए क्यूम शाह की मशीन लगी हुई है, तो सरकार खुद देख ले इसका क्या हल करना है और क्या नहीं। और यहाँ के स्थानीय लोग जिनका नाम अब्दुल गनी, मोहम्मद नबी, ये सब इनके खरीदे हुए नुमाइंदे हैं कुलदीप शाह के। आगे आपका काम है मीडिया वालों, क्या ये पब्लिक का कहना है? तो चलिए हम पहले तो हम बताते हैं कि मैटर क्या है। मैटर है कि इलीगल माइनिंग के अंदर जो सवेरे लोगों ने वहां पे काफ़ी हल्ला किया, ब्लॉक नंबर 26 वो तलवाड़ा के एरिया में अंदर है, वहां पुलिस भी पहुंची है। चलिए इसी चीज़ को कन्फर्मेशन करने के लिए जो एक्स सरपंच है उनसे बातचीत करते हैं कि क्या मामला। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का हार्दिक अभिनंदन है सर। सर आप इंट्रोडक्शन दें, आपका सर नाम क्या है सर बताएं? देवराय। देवराज जी आप सरपंच हो ना, कहाँ के? तलवाड़ा के। अच्छा सरपंच साहब, आप तो सुना है मैंने कि सवेरे बड़ा वहां पे हल्ला फला हुआ है, 26 नंबर ब्लॉक है आपका। सुना था कि आप वहां पे 26 नंबर ब्लॉक तलवाड़ा के अंदर है, वो क्या घटना हुई वहां पे? सुना था पुलिस भी पहुंच गई है और सब क्या कहानी हुई है? अब मैं आपको सरपंच साहब, अभी भी आप कार्यवाही सरपंच हो आप लोग, और चलो सरपंच नाम भी हो, सरपंच की पावरें खत्म भी हो गई हो, लेकिन फिर भी सभी अंडर आर्टिकल 51AG के तहत ये सब नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये जहाँ भी दरिया नदियाँ नाले में जहाँ भी इलीगल कोई काम होता है तो उसकी आवाज़ क्यों नहीं आप लोग उठाते हैं? वहाँ क्या कहानी हुई पहले वो तो ये बता दीजिए सर प्लीज़। मैं इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी सरकारें आती रही जाती रही और आगे भी आती जाती रहेंगी, लेकिन गरीब लोगों की सुनाई ना पहले हुई है ना अब होगी। जबकि इन्होंने कुछ दिन पहले ये नाले बंद कर दिए, उन लोगों के लिए बंद किए गए जो गरीब लोग थे, और अमीरों के नाले खुले हुए हैं। आज जो 10 गाड़ियां आती है उनकी 25 गाड़ी जाती है, 200 गाड़ी बाहर निकलती है। डीएमओ रियासी ने 13 लाख रुपया करप्शन देकर रियासी में ट्रांसफर करवाई है, और वो आदमी जहां पर पैसे कमाने के लिए आया हुआ है। मुझे ये, मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं सर, इसकी आप कैसे पुष्टि करते हो? इस बात की तो पुष्टि नहीं कर सकते हो, चैनल रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते।
हमें तो आम लोग सभी बताते हैं कि इसने 13 लाख रुपया, हम तो ये तब कह रहे हैं कि हमें सुना था कि 13 लाख रुपया देकर ये बंदा यहाँ पर आया हुआ है, कनेक्शन देकर यहाँ पर ट्रांसफर करवाई है। अगर उसको पैसे का लालच नहीं था तो वो क्यों ब्लॉक बंद, अगर बाकी ब्लॉक बंद है तो कुछ अमीर लोगों के ब्लॉक क्यों खुले हैं? या तो सबके बंद करो या सबके खोल दो। 400 टिप्पर मेरे इलाके के गरीब लोग जो लोन लेकर टिप्पर रखे हुए हैं उनका काम काज ठप हो गया, जबकि 1000 लेबर वाला जहाँ काम करता था, दिहाड़ी लगाता था, अपने बच्चों को पालता था, वो बंद किया गया। जबकि मोदी साहब एक बहुत बड़े अच्छे एक लीडर है हमारे हिंदुस्तान में, जबकि बाहर की कंट्रियां भी उन्हें चाहती है कि अच्छे लीडर है, उन्होंने लोगों को आइए भाई के इंद्रावास के साथ लोगों को पैसे दिए मकान बनाने के लिए। अब उन लोगों को ना रेत मिल रहा है ना बजरी मिल रही है, क्योंकि नाले बंद है और नाले किन लोगों के खुले हैं? इन लोगों से डीएम और रियासी को करप्शन मिलती है, अगर करप्शन नहीं मिलती है तो इंसाफ करें, इंसाफ का तराजू खत्म हो चुका है, टिकों के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म होता रहेगा। मैं ये दावे से कहता हूँ कि आज दोबारा के लोगों ने ये जो स्टेप उठाया है तो मैं एक या दो दिन में वहां रोड बंद करके दोबारा में बैठने वाला हूँ, और जब या तो सबके खुलेंगे या सभी बंद होंगे, इंसाफ होगा। सरपंच साहब, एक्चुअली मेरी इन चीजों के बारे में बातचीत हुई थी, लोग तो ऑफ कैमरा में बहुत कुछ कहते हैं कि डीएमओ साहब पैसे खाता है, ये करता है। जब उनसे बातचीत किया ऑफिस में जाकर के, सर आपके ऊपर काफ़ी इल्जाम लगते हैं, तो डीएमओ साहब ने बोला कि लोग तो यहाँ तक भी सोच रहे हैं कि वहाँ पे सीबीआई लगाई जाए, जहाँ उनके पास उनके घर में छापे मारे जाएं तो कहीं कहीं ऐसे मिलेंगे। तो वो मजाक में हंसने लगे कि कहने लगे, भाई आप जितनी मर्जी रेड डाल दो, जितना मर्जी कुछ कर लो, मैं तो कुछ बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने कोई ऐसा करप्शन कर रहा हूँ। पिछले दिनों में मैंने हमें थोड़ी सी बाज उठाई थी, डीएमओ रियासी ने कहा था कि भाई देवराज को संभालो, तारिकवाट को संभालो, दूसरे को संभालो, नहीं तो मेरी नौकरी खतरे में है। ये क्यों कहता है वो? जब ये मैंने एक पिछले दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, वहां मैंने कहा था कि अगर डीएमओ रियासी को इतने पैसे की जरूरत है तो उसको वैष्णो देवी में बिठाया जाए, वहां पर वो मांगे, सबको बताया मैं डीएमओ रियासी हूं तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वो सोचे कि मैं गरीब हूं, मैं अमीर होना चाहता हूं तो बड़े बड़े अमीर लोग वहां आते हैं, मैंने ये भी कहा था। तो डीएमओ रियासी को क्या इंटरेस्ट है पर्सनल चंद लोगों के साथ? इंसाफ करें, हम नहीं चाहते हैं कि देखो जब गरीब आदमी कोई मकान बनाएगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप ये बताएं कि जिस आदमी को IAY का मकान मिला होगा क्या वो मकान नहीं बनाएगा? क्या उसको बाद में पैसे मिलेंगे? अगर उसको मिले हैं, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्हें पैसे दिए हैं, तो कैसे बनाएगा? तो चोरी करेगा, उसको एक ट्रॉली रेत नहीं मिल सकता है। आज अगर रेत का कोई रेट जो सरकार की तरफ से है तो उससे डबल रेट पर लिया जाता है। अच्छा सरपंच साहब, मुझे मुझे ये बताइए, हमें ये बताइए कि आप 5 साल जब कोई बाज उठाता है तो उसको खतरा है। अगर मैं आज ये बोल रहा हूँ तो मैं ये समझता हूँ कि हमें भी खतरा है। सरपंच साहब, मुझे ये सरपंच साहब ये तो बताइए, खुशकिस्मती है कि SSP रियासी एक बड़ी ईमानदार अफसर जहां पर पहुंच गई है, और इंसाफ होगा हमें उम्मीद है उस पर। सरपंच साहब, मेरे ये बता दो कि जनता का सवाल है, अब मीडिया का भी सवाल है आपसे, कि आपने 5 साल तक क्यों चुप रहे हो? तो आज से थोड़ी नहीं इलीगल माइनिंग की, तो जब से खुला हुआ तब से ये ब्लॉक खुले हुए तब से इलीगल माइनिंग चल रही है, उस वक्त आप लोगों क्यों नहीं आवाज उठाया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा मैंने ये पहले कह चुका हूँ कि गरीब लोगों की ना सुनाई हुई ना होगी, तो ये गांव के लोग, हम गांव में रहने वाले हैं, हमारी सुनाई पहले भी नहीं हुई, आगे भी नहीं होगी, क्योंकि जब एक DMO देता है कि ये हमने ब्लॉक दे दिया है क्योंकि उसको पैसे मिलते हैं, तो उसके साथ कुछ ऐसे लोग उनको सपोर्ट करते हैं, बड़े बड़े अफसर जिनसे कोई नहीं। गाड़ियां जब पुलिस गई है सर, अंदर दिया जाएगा सर, पुलिस गई है मॉर्निंग में, कितने बजे वहां पुलिस गई और पुलिस ने कितनी गाड़ियों को सीज की है? मैं उसके बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, वहां के लोगों ने यहाँ पर ये वहां पर वीडियो बनाई थी कि जहाँ 2 गाड़ियों की पर्ची काटी गई है और 50 गाड़ियां निकली है, वहां पर जनता गई थी, तो मैं वो नहीं, मैं इस पर निशान नहीं करता। नहीं, वीडियो हमारे पास आई है, वीडियो हमारे पास आई है, वीडियो के आधार पर ही तो हम आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, तो इतनी जानकारी तो होगी कि गाड़ियां कितनी सीज हुई, ये तो जानकारी होनी चाहिए सरपंच साहब आपको, तो गाड़ियां सीज की पुलिस ने कि नहीं की है? कितनी सीज की है इन्होंने? गाड़ियां सीज की है कि नहीं की है, जहां सेटल रीसेटलमेंट हो गया? नहीं, हमें तो
पता नहीं है कि इन्होंने गाड़ियां सीज की है, बट ये सुना है कि पुलिस मौके पर गई थी। एसएसपी रियासी ने काफी एक्शन किया है और इस पे लोग काफी भरोसा कर रहे हैं कि एसएसपी रियासी लोगों को इंसाफ दिलाई। नहीं नहीं, हम तो कहते हैं सर कि आप भी कहते हो, मीडिया भी कहते हो, मैडम बहुत अच्छी है और डीसी साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हूँ, क्या हो रहा है ये देखिए ना, ये क्या हो रहा है। अभी पहले क्या हुआ मैं वो नहीं कह सकता हूँ, पहले तो हमें लोगों को विश्वास ही दिलाते रहे, लेकिन जनाब बारादरी की जो क्रैशर है मेरे पास पता नहीं 500 पर्ची आई हैं, जो डायरेक्ट जो क्रैशर के लिए बना था ब्लॉक, वो सीधा डायरेक्ट से वहां लोड होकर गाड़ियां बाहर जा रही हैं। तो क्या वहां पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट, कोई ऑब्जेक्शन, कोई फाइल या कोई विजिलेंस को कोई रिटर्न कोई कार्रवाई किया क्या सर आपने? नहीं, वो पिछले दिनों में जब देखिए ये तारिक साहब ने ये मुद्दा उठाया था तो विजिलेंस वालों ने छापेमारी भी की है। तो नहीं, वो सिर्फ एक तारिक भट्टी है सर, तो जहाँ पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज ही है, बाकी जो जनता क्यों चुप है सर, ये क्या कहना चाहेंगे? अब जनता शुरू हो चुकी है। अच्छा, यही कहना चाहता था आप कि हम ये दो दिन के बाद एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसमें काफी गाड़ियों वाले भी उसमें आप बैठेंगे और हम धरने पे बैठ रहे हैं। ठीक है सरपंच साहब, मैं एक चीज आपसे अपील करना चाहूंगा, अगर धरने में बैठते हो तो जनता को जरूर ब्रीफ करें कि अपने अधिकार क्या हैं। अधिकार से जनता वंचित रह रही है और खुद जिनको जानकारी नहीं है कि नदियां नाले के जो आर्टिकल 51A के तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम लोग आवाज उठा सकते हैं और अपना जो इनको जो इन्वायरमेंट का जो ये सब इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो इन्वायरमेंट को लेकर के हम लोग सब लोग को थोड़ा अलर्ट करिए प्लीज। और हम पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज तो है ये, पहाड़ी एक्सप्रेस आप बोलेंगे आप है, मैं खुद हिट लिस्ट में हूँ रियासी के अंदर महाराज, और हमें ये संदेश भी मिल रहे हैं कि एक बार को मिले तो इसकी हम हड्डी पसली एक कर देना है। तो शायद आपके पास भी कोई जानकारी होगी पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के लिए, कुछ दो शब्द कहेंगे जी? हमें तो ये सुना नहीं है, तो आगे के लिए हम तो अलर्ट ही रहेंगे इन बातों पे, क्योंकि गुंडागर्दी तो है ही है, तो सरमाएदार लोग किसी शरीफ आदमी को नहीं जीने देते हैं, वो तो हमें पता ही है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि आज हमें जैसे आज कुछ ईमानदार ऑफिसर यहाँ पर जैसे पुलिस के आए हैं, तो हमें उम्मीद है कि हम जी सकते हैं आसानी से। सर पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज ही सिर्फ केला दिखा रहा रियासी के अंदर, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? क्या हमें ऐसे आप लोग पब्लिक सपोर्ट करेगी हम लोगों को कि जहाँ ऐसे ही मार पूंड के फेंक देंगे लोग हम लोगों को भी ऐसी तरह से? हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे प्रेस वाले हमारी सपोर्ट कर रहे हैं, गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, तो गरीब लोग जितने भी हैं वो आपके साथ हैं। चलिए शुक्रिया सरपंच साहब, यही हम सुनना चाहते थे कि क्योंकि हम लोग अगर हम सिंगल रहेंगे तो हम भी आस्ता आस्ता थोड़े ढीले पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि थ्रेट बहुत आ रही है कई साइड से थ्रेट आ रही है। हालांकि हमने चिट्ठी पुलिस को डीजी साहब को एडिशनल डीजी साहब को दिया है, लेकिन हमने उसकी आउटपुट नहीं पता किया कि आखिर उस चिट्ठी की कार्रवाई क्या हुआ, कि आगे हम लोगों को कहीं टूर में जाएं तो प्रोटेक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि तो जैसे बोल रहे हैं तो हम तो डरते नहीं है, क्योंकि नहीं डरता मैं भी नहीं हूँ, डरता मैं भी नहीं हूँ, छोड़नी है हम आज भी छोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हम नहीं इस बात से पीछे होंगे, जो लोगों का इंसाफ होगा लोगों के लिए हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, और हम आपके साथ हैं, और हम भी अगर आप जान देंगे तो थोड़ा कतरा हम भी बहा लेंगे उसकी आपकी जो आपने हिम्मत दिखाई। मैं तो बोलता हूँ ऑन कैमरा ऑन फोन पे लोग आते नहीं है जनाब, तो आपने हिम्मत दिखाई, तो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज से आपका हार्दिक अभिनंदन के साथ ही अलविदा कहते हैं। फिर जिन्होंने बहुत बड़े बड़े इल्जाम लगाए, मैं फिर से कहना चाहूँगा अल्जामात जो लगा तो देता आदमी, लेकिन चैनल रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के लिए हम इनके अल्जामात की पुष्टि नहीं करते हैं। ये अगर उनके पास कोई एथेटिक प्रूफ है तो आई थिंक कि उनको कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस को, ऐसे किसी को डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, उसकी हम चैनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता और पुष्टि भी नहीं करता। चलिए आप लोग इसी तरह से मैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ से रिक्वेस्ट करता हूँ सभी लोगों के ऑन बिहाफ ऑफ में कि आप प्लीज़ इस तरह वीडियो हमारे पास भेजते रहें और हम लोग दिखाते रहेंगे और प्रशासन तक ये हम आपकी आवाज़ पहुँचाते रहेंगे और आप लोगों की सपोर्ट, और वही मैं अंत में फिर कहता हूँ कि सपोर्ट वही एक चैनल को सब फॉलो करना है
और नीले बटन को और यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। यही आपकी ताकत है जैसे हमें मिलती है। बाकी और मोरल सपोर्ट भी हम लोग ऐसे 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 लोग आते रहेंगे तो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ ऐसे चलता रहेगा आप लोगों के साथ, चाहे हम बिन स्वार्थ के चलते रहेंगे। चलिए मुझे कैमरा मैन के साथ आजाद, नमस्कार, जय हिंद।